नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे लातेहार की। यहाँ खड़े ट्रैक्टर में बाइक सवार ने मारी टक्कर, बाइक सवार हुआ घायल। आगे बात करेंगे चतरा की। चतरा में हाई टेम्परेचर लोगों के लिए बन रहा कहर। साथ ही आगे चर्चा होगी लावालौंग की। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के हेडूम पंचायत में गहराया पेयजल संकट, पानी के लिए मचा हाहाकार। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बारियातू के नचना गांव में शनिवार देर शाम खड़ी ट्रैक्टर में बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार नचना गांव निवासी रूपेश उराव उम्र 28 वर्षीय अपने नवनिर्मित मकान से पुराना मकान जा रहा था कि इसी दौरान एक खड़ी ट्रैक्टर में अनियंत्रित होकर सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायल युवक को आनन फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक प्रकाश बड़ाइक द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए युवक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा में हाई टेम्परेचर लोगों के लिए कहर बन गया है। अधिकांशतः लोग हाई टेम्परेचर के कारण सुबह के 10 बजे के बाद शाम के 4 बजे तक अपने घरों में दुबक रहे हैं, तो वहीं कुछ घर से बाहर भी निकल रहे हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी कार्य हो तब जिले के तापमान सुबह के 9 बजे के बाद से ही 40 डिग्री पार हो जाता है, जो दोपहर के 2 बजे तक 42 से 45 डिग्री तक रहता है। ऐसे में जो लोग इन समयों में बाहर निकल रहे हैं, वे लू के चपेट में आकर बीमार हो जा रहे हैं। शहर के सबसे बड़े सदर अस्पताल में हर 2 घंटे में 4 से 5 मरीज लू के आ रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजहर ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों में रोजाना 40 से 50 मरीज अस्पताल में लू लगने से बीमार मरीज आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से तेज धूप में ना निकलने की बात कही है। जो टेम्परेचर है हमारा चतरा जिला का लगभग 46-45 दिखला रहा है, और हीट स्ट्रोक जो है, लू लगना, ये काफ़ी केसेस बढ़ चुका है। अभी सदर हॉस्पिटल में अभी सुबह 9 से जब मैं बैठा हूँ, तो इस 1.5 घंटा में 4 से 5 पेशेंट को मैं एडमिट किया हूँ और 12-13 केस देखा हूँ, जिसको हम लोग मेडिसिन दे करके घर भेजे हैं। और लेकिन जो लू का जो केसेस है, ये डेली कम से कम मोर देन 50 केसेस यहाँ पे हीट स्ट्रोक का आ रहा है। आज ज़्यादातर केस यही है हीट स्ट्रोक में, जिसमें डायरिया होता है, उल्टी होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फीवर होता है। लोग इसमें गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, और कहीं कहीं तो देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से हार्ट स्ट्रोक होकर के डेथ भी कर रहे हैं। कई प्रखंडों में मौत की भी सूचना है सर, क्या चतरा में भी आपके यहाँ कोई सर? देखिए, अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर जिला का जो देख रहे हैं आंकड़ा, तो काफ़ी ये मौतें के बारे में सुनने के लिए आ रही है कि हीट स्ट्रोक से काफ़ी डेथ हो रहा है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देवघर से बेंगलुरु की हवाई सेवा शुरू, सप्ताह में 3 दिन यात्रियों की मिलेगी सेवा। देवघर से बेंगलुरु की हवाई सेवा शुरू, सप्ताह में 3 दिन यात्रियों को मिलेगी सेवा। देवघर एयरपोर्ट को अब एक नई सेवा की सौगात मिली है। लंबे समय से यात्रियों के द्वारा बेंगलुरु से देवघर की फ्लाइट की मांग हो रही थी। अब शनिवार को देवघर बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत हुई। बेंगलुरु से फ्लाइट सुबह 10:05 में देवघर आने के लिए रवाना हुई और देवघर एयरपोर्ट पर 12:25 पर लैंड हुई। वहीं देवघर से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट संख्या 6E6437 दोपहर 12:55 में उड़ान भरकर 3:25 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड की गई। देवघर पहुंची पहली फ्लाइट से यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। यात्रियों ने बताया कि बेंगलुरु में देवघर और आसपास क्षेत्र के छात्र और छात्राएं पढ़ाई करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आने वाले लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा यात्रियों को गुलाब का फूल देकर उपहार देकर इनका स्वागत किया गया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। एंड जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट में भी लाइक ले ओवर टाइम 4 आवर 3 आवर, तो ऑन एन एवरेज एक दिन पूरा चला ही जाता था। तो इस तरीके से लाइक टाइम बहुत वेस्ट होता था। कितने घंटे का ये सफ़र आप लोग का? 2 आवर 20 मिनट्स। बहुत ज़्यादा शीनू मिश्रा खुशी की बात है सर, और ख़ास कर ये है कि आज बोटिंग है, इसके लिए अंदर से बहुत ही खुशी है। सर मैं डिफेंस में हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ अभी फिलहाल, वहीं की पोस्टिंग है मेरी। जी सर, बहुत अच्छी सुविधा है। 2 घंटे में देवघर। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा सर हुरोदास नाम हुआ। थैंक यू।
रहा है। सफ़र 2 घंटा 20 मिनट का था। बहुत आने की खुशी में टाइम का मालूम नहीं हुआ, क्योंकि अपनी नगरी बाबा की नगरी आ रहे हैं। जय बाबा वैष्णव। थैंक यू। मतदान भी हो रहा है? हाँ, 1-2 काम हो रहा है। वोट भी देंगे? जरूर देंगे। जिंदाबाद मोदी। और मैं वोटिंग के लिए आया हूँ। मैं बेंगलोर में एक इवेंट के लिए था और वोटिंग के लिए बस 1 तारीख को वोटिंग स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। 2 घंटे में पहुँचे? 2.5 घंटे। और आज वोट भी देना है? वोट भी देना। अभी जाके बस मित्रेश शर्मा लग रहा है। मतलब पहले 10 घंटे लग जाते थे आने में, 7-8 घंटे 10 घंटे, अब 2 घंटे 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जा रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देवघर। तो जो भी इन्वॉल्व है इसमें, MP सांस MLA, उनको बहुत थैंक्स। आप कहते हैं और क्या करते हैं? हम ऐसे तो देवघर के ही हैं, लेकिन आई वर्क इन बैंगलोर इन एन IT कंपनी। आज तो वोट भी देना है? हाँ, खुशी हो रही है। हाँ, ऑफकोर्स। क्या शुभ नाम हुआ? अक्षय। स्टार्टेड द कैप्टन स्टार्टेड प्रोनाउंसिंग द अनाउंसमेंट। ही सेड हर हर महादेव। द बेस्ट पार्ट, यू नो, एंड व्हेन ही वाज अनाउंसिंग when we were departing and he was announcing again, and he said Har Har Mahadev. So the spirit of Devghar, you know, even captain had this in his mind, and he said repeatedly, twice at least, mentioning may God bless you, may Mahadev bless you. So I would say fabulous experience. Apart from that, I think food was also good, but I think I ordered something, I got something else. So I think there is a bit of इम्प्रूवमेंट, देर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट सब ठीक होगा धीरे धीरे। आई थिंक पहला फ्लाइट था, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना? इज ऑल्सो पोलिंग डे। या सो द मेन रीजन व्हाई आई एम हियर इज बिकॉज आई हैव टू कास्ट माई वोट, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज डन इज बेट दैट दे हैव शेड्यूल्ड दिस फ्लाइट। द फर्स्ट फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टूडे। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द पोलिंग एंड सेवंथ फेज, राइट? End of the 2024 election and 7th phase also ends here. So I think fine. I'm here to cast a vote, by the way. So that is the takeaway point. What's your good name? Good name? Adarsh. झारखंड से सीनियर संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। तपती गर्मी और आसमान से बरसती आग के कारण प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जल स्रोतों के सूख जाने के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। नतीजा इस कदर है कि कहीं लोग नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो कहीं किसी के कुएं में कीचड़ रूपी पानी पीने को बच्चे मजबूर हैं। ऐसा ही प्रखंड एक आरा आतू गांव के हरिजन टोला में देखा जा सकता है। सरकार की योजनाओं के द्वारा नल जल योजना लोगों को मुंह चढ़ाती नजर आ रही है। इस टोले में भारतीय तथा रविदास समाज के लोग 30 परिवार आज भी स्वच्छ जल के लिए तरस रहे हैं। जब इसकी सूचना लावालोंग संवाददाता को मिली तो वे उस गांव में पहुंचकर सच्चाई जानने के लिए पहुंच गए तथा अपनी नम आंखों से महिलाओं ने आपबीती सुनाई और योजना के कार्य पर ठेकेदार के बिगड़ैल बोल को भी उजागर किया तथा उसी गांव के समाजसेवी गोपाल यादव ने भी ठेकेदार के रवैये से नाराज होकर प्रशासन से पानी जैसी समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने का आग्रह किया। ये जल नल योजना जो आपके गांव में लगा है, वो कोसों दूर से लोग देखे हैं, पानी 1 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम कहना चाहते हैं कि जो जल मीनार जो लगाने के लिए जो ठेकेदार को जो मिला था, उसमें जो ठेकेदार के हम लोग कॉल करते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि जितना पदाधिकारी है उस मेरा पैकेट में हम ऐसे ही पास करवा लेंगे। उसका पास कम से कम लगता है 50 बार से भी कम नहीं रिंग किए हम लोग। ये कहाँ का ठेकेदार हैं? ये ठेकेदार हजारीबाग का है, चौबे जी उनका शायद ऐसे कहते हैं, लेकिन नाम पूरा पता नहीं है, लेकिन हजारीबाग का है। तो कितना दिन से सब जो टंकियों के खड़ा है अभी तक पानी नहीं मिला है? लोग देख रहे हैं अभी बहुत दूर से कुआं से पानी लेके आ रहे हैं। 3 महीना से जो है से यहाँ जैसे बोरिंग हो चुका है, और बोरिंग होने के बाद जो है से यहाँ पे इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो है से ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो रिस्पांस नहीं लेता है, बोलता है पदाधिकारी जितना है से सब मेरा पैकेट में है और हम ऐसे ही पास करवा लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम कहना यही चाहते हैं कि पदाधिकारी लोग से यही हम नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपने स्तर से देखें और जो यहां को जो तकलीफ है वो उसको अपने स्तर से ये करें। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हुआ गोपाल कुमार यादव। ये इतना दूर से पानी आप लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? एक किलोमीटर दूर से। एक किलोमीटर दूर से? हाँ, इधर चपाकल न है न कुआं है, कुआं है चाटा लग गया है तो क्या करे, प्यासे मर जाए, नहाने धोने के लिए एकदम परेशान हम लोग। तो आपके यहाँ जल नल योजना जो टावर लगने लगा है? नहीं, तो वो सब कहता है जहाँ घूस दे के हम बना लेंगे। कौन बोलता है? जो बनाने वाला है से बोलता है, ठेकेदार। क्या बोलता है? जो हम घूस दे के हम बना लेंगे, पास करा लेंगे। आपके यहाँ नलका नहीं बैठा है? नहीं, उधर हम लोग तरफ फजे नहीं है। क्या नाम है आपका? शकुंती देवी। क्या नाम हुआ? सुमन। बोलिए, ये जो जल नल योजना लगा हुआ है इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाहेंगे, लगा के चल गए हैं और पानी अभी तक मतलब सुविधा नहीं हो रहा है, हम लोग को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है और पुराना चपाकल में ही सेट करके चल गया। पुराना चपाकल में सेट कर दिया? ये कितना दिन पहले लगा था? ये हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना पहले लगाया है, लेकिन अभी कनेक्शन अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं? कि ये जो फंड आया है जल्दी से जल्दी होता तभी तो सभी को पानी का सुविधा होता। तो अभी आप लोग पानी लाने कहाँ जाते हैं? ज्यादा दूर जाना पड़ता है, उसी में लगा दिया और क्या बोलते हैं, पानी भी हम लोग को भी दिक्कत होने लगा। अच्छा, लगा दिया पुराना चपाकल में लगा दिया है, उसी में लगा। लावालौंग से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।